खुदा के बाद अगर कोई औरत किसी को पूछती है तो अपने पति को, लेकिन जब पति ही हैवान बन जाए तो औरत क्या करेगी बताओ? कोई बार झगड़ो थयो ने तो एनो भी गुस्सो मारा पर आईने उतारे कि औरत का दर्जा आदमी का एक सर का है, हम वो समझते हैं, लेकिन औरत आदमी मर्द क्या कहता है कि औरत पैर की जूती। एक वक्त तो सीढ़ी पर थी आवती थी ने मनसु के कह जा तू मारी नणंद ने साड़ी लेने पहरी ले मारी बहन ने ले मैं ना पाड़ी धूम एवी रीते अजीब બીજી વખત આવીને નવા નવા ને મંગાય કોઈ જોડે વસ્તુ તો કે ના કે તો બસ મેં એટલી ના કીધી ને નામાં મને નીચે પાડી દીધી ઉપરથી ધક્કો મારી તો વો મેરે કો સ્ટીલ કે દો કપ આતે ને વો દો કપ ચાવલ કે દેકે જાયગી ઓર દો પલ્લી તેલ નિકાલ કે દેકે ઇતના હી બનાના ઉસસે જ્યાદા બનાના નહીં હૈ મેરી લડકી દૂધ પીતી થી તો મેરે કો ભૂખ લગતી તો ખાના તો ચાહીએ ને તો વો ભી નહીં મિલતા થા મેરે કો હમારા સમાજ 21મી સદી મેં જી રહા હૈ 21वीं सदी में जीने के बावजूद भी हमारी समाज में कई औरतें ऐसी हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार बनती है। एक संस्था के सर्वे के आधारित गुजरात राज्य में हर रोज 15 औरतें अपने पति की मारपीट से अपनी मौत को गले लगाती है। क्यों मार दे? क्या करेंगे? मारेंगे सोने के लिए तो क्या करेंगे? उसको पूजा थोड़ी करेंगे। ती लोग पत्नी को यूं मारते कि हरकता बहुत करती हैं, जैसे कि खाना अच्छा नहीं बनाना, बाहर फिरना, मेकअप मेकअप ये वो। शादीशुदा लड़की है, उनको ससुराल पक्ष की तरफ से जितना हैरेसमेंट होता है, जितनी शारीरिक मानसिक यातना मिलती हो, तो उसके लिए भी कलम है, चार IPC सेक्शन है 406-420, तो उसमें 7 साल तक की सजा है। तो खबरा कि मेरी 750 रुपये बंदी हुई है, लेकिन 1 रुपया नेता वारंट निकालती हूँ तो वहाँ पुलिस वालों को पैसे खिला के वापस भेज देता है, और मेरे पास पुलिस को पैसा खिलाने के लिए है नहीं। केस करा मैंने अपने हस्बैंड का, तो मेरी रिपोर्ट तो लिख ली उन्होंने, मेरा सारा बयान लिख लिया, सब लिख लिया, लेकिन एक केस एक दूसरा इंस्पेक्टर बोलता है इधर ले जाओ, दूसरा इंस्पेक्टर बोलता है इधर जाओ, एक SP बोलता है इधर जाओ, एक SP बोलता है, मेरे को 4-4 बार धक्के खिलाए। मैंने बोला मेरा केस क्या है, मैंने केस करा, मेरे इसका जवाब चाहिए, क्या हुआ मेरे हस्बैंड का, मैंने घर गृहस्थी का केस करा, तो बोलते हैं कि अभी तक बड़े साहब ने साइन नहीं किया, इसलिए बड़ी ऑफिस पे नहीं गया, आप बड़ी ऑफिस पे जाइए। मैं बड़ी ऑफिस पे जाके आई तो वहाँ से बोला, बोले है ना अभी छोटी ऑफिस से तुम्हारे बोले फॉर्म आया, बोले अर्जी आई नहीं है, तो बोले वहीं जाओ तुम। मैं वहाँ गई वापस, फिर बोला कि नहीं बड़ी, मैं फिर बड़ी ऑफिस पे गई, मैंने जब बोला कि अगर मैंने बोला मेरे जो केस नहीं करना, मैं बोली मेरा केस वापस दे दो, ये कानून कुछ नहीं कर सकता। मैं बोली कानून सिर्फ है ना रिश्वत खाने के लिए ही पैदा हुआ कानून भी। अगर उसको लगता है कि स्थानीय पुलिस स्टेशन वाले उनकी फरियाद नहीं लेते तो वो डायरेक्ट हमें संपर्क कर सकती है, और हमारी हेल्पलाइन है 1091। हमारी बस्ती में एक ऐसी भी कहानी है जिनकी संस्था या पुलिस के पास जाने की नौबत ही नहीं आई, तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी हमारी शादी को 17 साल हो, अल्लाह को कम से 3 लड़कियाँ 1 लड़का, हम राजी खुशी से रहते हैं, हमारा गुजरान करते हैं, ये भी कमाते, मैं भी 2 पैसे की मेहनत करती हूँ, सिलाई काम करती हूँ, अच्छी तरह से हमारे बच्चे पढ़ते भरते, हम राजी खुशी से रहते हैं। उनके पसंद के हो तो लगभग सब्जी वही बनाते हैं, मेरे को सिर्फ दाल जो भी बनाना करना है, रोटी वोटी वो बना के हट जाने को, उनकी इस प्रमाण सब्जी बनाते हैं, चावल भी बना के देते, कभी काम में उलझ भी जाते, सिलाई काम करते कभी काम में उलझ भी जाती हूँ, तो मेरे को चाय वाय बना के पिलाते, 1-2 बार तो पिलाएंगे।